तो बहुत बहुत बधाई उनको, और कि आप लोग को भी मीठा खाने का मौका मिले मेरे द्वारा, ये उन्होंने खिलाया है। और नेक्स्ट टाइम जब ये वर्दी में आएंगे तो मेरी जिम्मेदारी होगी। गरीब फैमिली से आता है, उस तरह से इकोनॉमिक व्यवस्था नहीं मिल पाती हमारे यहाँ कि आप पढ़ पाए, बढ़िया बढ़िया कोचिंग ज्वाइन करते, लाइब्रेरी उनके लिए काफी है। आपके लाइब्रेरी में आकर आज इस लाइब्रेरी मोटिवेट का मैं ये सोर्स बना उसको, कैसे निकाल लिया, इतना बच्चा पढ़ता था, खा जा किया। का पेपर लीक हो सकता है, आपका तो नहीं हुआ था ना, को स्टार लगे सर, आपको भूल नहीं ना जाइएगा, आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आपने वो किया है, आप जहाँ पे एक आदमी को कैसे बढ़ा जाता है, एक स्टूडेंट को कैसे पंख दिया जाता है, एक किसी को किस प्रकार प्रमोट किया जाता है, वो आप वो उसके सोर्स हैं, उसके पात्र हैं, तो आपसे बिल्कुल शासन तो बड़का गाड़िया कैसे खरीदिएगा, बिना घूस के बड़ा गाड़ी कैसे खरीदाएगा, नहीं नहीं ये शादी का फेज में फॉर्च्यूनर चाहिए, रेट लिस्ट आता है हमारे बिहार में, दरोगा है तो फॉर्च्यूनर, एक आपके फ्रेंड लोग कह रहे हैं फॉर्च्यूनर लेगा ब्लैक रुद्र भैया को देना चाहूंगा, क्योंकि के बाद जो हमको एनवायरमेंट मिला बिल्कुल फैमिलियर था, बिल्कुल हमारे लिए अच्छा था। लाइब्रेरी तो बहुत सारे हैं लेकिन इतने कम, ये मैं लाइब्रेरी पटना में मुझे कहीं नहीं मिले, इतने कम फी के साथ, टाइम का कोई फाउंडेशन नहीं। अरे इस लाइब्रेरी के मैनेजर रुद्र भैया को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी के संचालक को एक लाइब्रेरी का संचालन अर्न करने की दृष्टि से नहीं, वेलफेयर की दृष्टि से ही करते हैं, और ये हर स्टूडेंट को इसके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। आप लोग बहुत सारे अगल बगल लाइब्रेरी में देखे हैं कि फी क्या है, टाइम का फाउंडेशन क्या है, थोड़ा सा अगर समय दे दीजिएगा तो कोई रोक टोक होने लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ये झेला है सर से, अगर मैं अपना सर को पिता के कदम में पटक रखता हूं, नमस्कार मैं रुद्र अभिषेक, और आज लाइब्रेरी का एक स्टूडेंट है जो कि बिहार एसआई में निकाल चुका है, बिहार एसआई दरोगा, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना और मेरी लाइब्रेरी से निकालना मेरे लिए भी बहुत बात है, तो आप मिलिए इनसे और इनसे भी रिव्यू देते हैं। इनका नाम हुआ, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम प्रशांत कुमार पांडे है। ये प्रशांत है जिन्होंने बिहार एसआई में अपना रिजल्ट दिया है और लाइब्रेरी में काफ़ी अच्छा टाइम दे देते हैं, मैं इनको काफ़ी टाइम से जानता था, लगभग इस साल भर से अराउंड 1 ईयर हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, बीच में लॉकडाउन की वजह से छोड़ा था इन्होंने, और घंटा जो बच्चे गरीब फैमिली से आता है उस तरह से इकोनॉमिक व्यवस्था नहीं मिल पाती हमारे यहाँ कि आप पढ़ पाए, बढ़िया बढ़िया कोचिंग ज्वाइन करते, लाइब्रेरी उनके लिए काफ़ी ही रहता है संयोग के रूप में कि आप एक बार फी दोगे और पूरे महीना पढ़ लोगे, और वाईफाई का सुविधा देना और उसका किस तरह से प्रयोग करना, बहुत सारे बच्चे हैं कि उसे मिनिमम उसके मिसयूज करते हैं और उसका फ़ायदा उठाना आपके बगल में उनका है, आप जानेंगे इनसे, आपको बहुत बहुत बधाई प्रशांत, कैसा लगा आपको? धन्यवाद सर इसके लिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके लाइब्रेरी में आकर आज इस लाइब्रेरी को एक तरह से मोटिवेट का मैं ये सोर्स बना, और काफ़ी मेरे जो भी भाई बहन यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो भी और दोस्त वगैरह हैं, सब हमको ये कैसे निकाल लिया, इतना बच्चा पढ़ता था, खा जादू किया, चोरी वोरी ये देखा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, काफ़ी समय से लगभग हम ये पटना में 6 साल का टाइम एक्सपेंड किए, ओके, और इस दौरान हम चूंकि मेरा टारगेट बीपीएससी का है, और इस दौरान मैं कुछ जो भी पढ़ाई करता था उसको काफ़ी डिप में जाकर पढ़ता था, काफ़ी गहनता से पढ़ता था, वो तो हम मान ही सकते, आप पढ़े हैं तभी निकला, इसे थोड़ी निकलेगा, बीपीएससी का पेपर लीक हो सकता है, आपका तो नहीं हुआ था ना? नहीं नहीं दरअसल उस समय मेरा भी बीपीएससी का एग्जाम था उस समय, और मैं उस टाइम बीपीएससी के प्री को छोड़कर एनटीपीसी का मेंस देने चले गए। स्टार लगेगा सर, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट तो शुरुआती 2 स्टार से 2 सितारे लगेंगे कंधे पर, उम्मीद कितना है, कितना स्टार हम लोग देखेंगे, कोशिश हमारी यही, हमको भूल नहीं जाइएगा सर, आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आपने वो किया है, आप वो हमारे लिए ये कि जहाँ पे एक आदमी को कैसे बढ़ा जाता है, एक स्टूडेंट को कैसे पंख दिया जाता है, एक किसी को किस प्रकार प्रमोट किया जाता है, वो आप वो उसके सोर्स हैं, उसके पात्र हैं, तो आप आते हैं रोहतास जिला से, कैमूर जिला से, कैमूर जो कि नक्सलाइट
नक्सलाइट है तो वहाँ का प्रभाव पड़ा, नक्सलाइट कहानी ज्वाइन कर ली, वहाँ भी तो बंदूक मिलेगा चलाने के लिए। नहीं सर, बंदूक चलाना, ये बंदूक तो कई तरह से चलाए जाते हैं, लेकिन अगर लीगली तौर पे बंदूक चलाना हो या फिर मतलब ऐसे लोगों के बीच जाकर अपनी बातों से सरकार के नियम कानून और कायदे से अगर हम उन पर प्रभाव अपना दिखाते हैं और एक सभ्य समाज को बनाने में योगदान देते हैं तो ये मेरे लिए सर्वोपरि होगा सर। बंदूक चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कान में बात पूछेंगे धीरे से। अब जवाब भी उसी बताइएगा, पूछ ले एकदम पूछिए सर, बिल्कुल स्वतंत्र घूस उस लीजिएगा। बड़का गड़िया किसे खरीदिएगा? नहीं नहीं अभी ये सोच नहीं है, अभी तो खुद सरकार देगी चलने के लिए। मोटरसाइकिल पे कितना दिन घूमेगा बिना घूस के, बड़ा गाड़ी कैसे खरीदाएगा? नहीं नहीं ये कोशिश करेंगे कि एकदम ईमानदारी हमारी हर तरह से। काफी सिंपल रहते हैं आप लाइब्रेरी में इतना देर बैठ के। आत्मा की खुद एक आवाज ये कहती है कि जब तक हम उतना समय नहीं देंगे, जब उतना स्ट्रगल नहीं करेंगे तो फिर सफलता को हम कैसे छू सकते हैं। और सर कहीं ना कहीं एक हम लोग मध्यम वर्ग, हम खासतौर से मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, तो मध्यम वर्ग के हर स्टूडेंट के लिए उनके पिता का संघर्ष ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, क्योंकि वो उनका संघर्ष दिखता है कि नहीं जो मेरे पिता इतना मेहनत कर रहे हैं और कुछ पढ़ा रहे हैं हमको, कुछ पैसे देकर पढ़ा रहे हैं, कुछ उम्मीद पाले होंगे, क्या अंदर कौंता रहता है कि क्या कहीं हम खाली हाथ तो जिस उम्मीद के साथ पिता ने हमको पटना भेजा है या दिल्ली किसी स्टूडेंट को दिल्ली या अलग, क्या हम कहीं खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे? और खाली हाथ लौटेंगे तो फिर समाज में हमारा क्या वैल्यू रह जाएगा, परिवार में क्या वैल्यू रह जाएगा? सर सर ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे मतलब सोचने पड़ते हैं और इसी को लेकर काफी मतलब ये हो जाता है कि हमको मेहनत तो करना ही है चाहे किसी हद तक गुजरना हो। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी एक साधारण टीचर हैं, शिक्षक हैं। एक शिक्षक का बच्चा उम्र मुश्किल से 25-26 साल और आज दरोगा बनने जा रहा थी, आपके लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है, एक ज्ञान सीखने की बात है कि एक 10x10 के कमरे में अपने जीवन को व्यतीत करना जहाँ उनका पैर ठीक से फैल नहीं पड़ता, ऐसे कमरे में लड़ बच्चे रहते हैं आजकल, और जहाँ कहते हैं कि है बस 6 ही लॉक 4 दीवारें छतों में, ऐसे ऐसे एक जगह पर आके बच्चे ऐसा ही जहाँ स्टार मिलेगा, आपकी सैलरी होगी प्रॉपर, आपकी कहीं ना कहीं आपके जॉब से आपके माता पिता गौरवान्वित महसूस करेंगे, तो उस पोस्ट पे लाना और इतने वर्ग इतने छोटे फैमिली से बिलोंग करना जहाँ एक शिक्षक की सैलरी आपको पता होगी कुछ खास है नहीं, बिहार में 5 साल पे सैलरी आता है, हंगामा आपको पता ही है क्या होते रहता है, उस जगह से निकालना एक बहुत बड़ी बात है। तो अब कुछ अच्छा बात बताया जाए कि शादी का क्या प्लान है आपका? सर अभी तो इसके बारे में हम सोचे नहीं हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो प्राय हमारे अनुसार, सबके अपने अलग अलग विचार हैं, हमारे अनुसार मतलब मन है जी नहीं, अभी 4 साल तो हम मन नहीं है क्योंकि हम कुछ इन 4 साल में बीपीएससी क्रैक करके कुछ दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए स्कॉर्पियो। सर यहाँ तो रेट लिस्ट आता है हमारे बिहार में, दरोगा है तो फॉर्च्यूनर, अरे आपके फ्रेंड लोग कह रहे हैं फॉर्च्यूनर लेगा ब्लैक वाला। नहीं नहीं सर, वो ज्वाइन करने से पहले वहाँ पे एक प्रपत्र भरा जाता है कि ना बिहार सरकार का ये स्कीम है कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है, और जाए मेरे पापा भी उसी विचार के आदमी हैं कि बिल्कुल ये सोचते हैं कि हमको जो परिवार है वो अच्छा मिले, दहेज कोई मायने नहीं रखता, इस विचार पे काम करते हैं, तो ये सारी बातें उन्हीं के ऊपर मतलब कहीं ना कहीं मन तो करता होगा ना फॉर्च्यूनर पर बैठे हैं, आगे सीट हो, इसी से सनरूफ खुले, इसे गाड़ी घुमाए। सर वो कोशिश रहेगी कि नहीं अपने से कमा के या अपने से मतलब अर्निंग करके अपने से कुछ अच्छा अधिकारी बन के उस पर ये करें तो अच्छा रहेगा, मतलब लेना है तो अपने पैसे से। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा होगा, नहीं तो एक अंदर से दबाव होगा कि नहीं गाड़ी पे भी चढ़ना है तो दूसरे की गाड़ी पे चढ़ना है। तो इनसे पूछ लेते हैं कि इनका क्रेडिट कैसे देंगे, कहीं ना कहीं पढ़ने वाले लोग एक माता पिता दोस्त को कुछ बीवी को कुछ बच्चे को हर किसी को, आप किसको श्रेय दे रहे अपना? सर सबसे पहले तो इस सफलता के लिए अपने माता पिता उससे देंगे क्योंकि उनका विश्वास, उनका आशीर्वाद और उनका संघर्ष हमारे लिए मोटिवेशन के साथ साथ हर तरह का रास्ता तैयार किया और जिसके बदौलत मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ, तो सबसे पहले उनको मैं उनका उनको श्रेय देना चाहूँगा अपनी सफलता। अपने बगल में बैठे इस लाइब्रेरी के मैनेजर रुद्र भैया को श्रेय देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो हमको यहाँ का इन्वायरमेंट मिला बिल्कुल फैमिलियर था, बिल्कुल हमारे लिए अच्छा था। आप ज्यादा समय, जितना ज्यादा समय दे सकते हैं आप दे, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं था,
यहाँ का जो इनका जो बात करने का तरीका था या मिलने जुलने का तरीका था, इतने मुस्कुराहट हमेशा कभी भी बात करते तो मुस्कुराहट भरे चेहरे से बात करते थे। इससे ये होता था कि अंदर से कुछ क्वेश्चन आते थे अगर तो गलत सही वो भी पूछ लेते थे हम लोग के लिए, भैया ये बात वो बात ऐसे ही वैसे, तो बहुत आसानी से वो सुलझा देते थे और जो भी ऐसा कुछ टेंशन वगैरह रहता था बहुत आसानी से वो खत्म हो जाता था इनसे बात करके। और ये भी कहेंगे कि काफी स्टूडेंट के लिए हमारे लिए भी एक वेलफेयर, क्योंकि लाइब्रेरी तो बहुत सारे हैं लेकिन इतने कम फीमेल लाइब्रेरी पटना में मुझे कहीं नहीं मिलेगा, इतने कम फी के साथ टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं। आप अगर इस टाइम दूसरे टाइम में भी आके पढ़ सकते हैं, टाइम कोई दूसरा टाइम लिए हैं दूसरे टाइम में आके पढ़ सकते हैं, तो आप पे किसी प्रकार का मतलब कोई ये नहीं किया जाएगा, आराम से आप बिल्कुल। यहाँ कैंटीन की भी एक अलग से सुविधा है, गर्ल्स बॉयज के लिए बिल्कुल अलग अलग पढ़ाई करने के जगह बनाए गए हैं, अलग अलग केबिन अलग अलग रूम है उसमें जाके यहाँ पे कोई किसी को डिस्टर्ब वगैरह करने की कोई संभावना ही नहीं, तो इसलिए अच्छा लगता है, थोड़ा सा शांतिपूर्वक और कंसंट्रेट होकर पढ़ाई हो पाती है। ओके, एक लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जूनियर सारे, आप जॉब हो गया था, सबके सब आपके जूनियर हो गए है ना, एक तो पद मिल गया आपको सीनियर का, अब सीनियर होने के नाते होता है कि आप उनको क्या सजेशन दीजिएगा सही रास्ता पर बढ़ने के लिए। कहता ना कि आप किसी का बुक पढ़ रहे हैं, कहीं बुक पढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा है, फर्स्ट हो जाता है, छोड़ देते पढ़ाई, यहाँ तक नौबत आता है और पटना में रेंट मांगा, ये मांगा, पढ़ाई मांगा, एक लाइब्रेरी हम सस्ता देने से कुछ होने वाला है नहीं, सब चीज़ मांगा है, तो फ्रस्ट्रेशन को कैसे दूर करें और अपने पढ़ाई पे कैसे फोकस करें? सबसे पहले ये तो हकीकत है सर कि संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही बेहतरीन होगी, तो इसके लिए अगर हमारे दिल में या किसी के कोई भी साथी के मन में ये है कि नहीं हम बड़े एग्जाम को क्रैक करें, तो नेसेसरी है कि उसके लिए टाइम को देना ही पड़ेगा, और उस टाइम देने के साथ साथ बहुत सारे इकोनॉमिक खर्च आते हैं पटना में, रूम रेंट, भोजन का, तरह तरह के खर्च आते हैं, तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि पहले लंबा समय देना है तो परिवार का जो प्रेशर है उससे दूर हुआ जाए, और इसके लिए कोई ना कोई आप मतलब ये कंपटीशन की तैयारी कराने वाले छात्र इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो एकेडमिक टीचर पे भारी पड़ेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एकेडमिक टीचर पे ऑलरेडी भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो हम देखते हैं कि एकेडमिक टीचर बुक से सब लिखवा पढ़वा देते हैं का, लेकिन आज एक कंपटीशन के लड़के को भेज दीजिए तो बुक छुएगा नहीं, सब कुछ बता के रख देगा, तो ये मैं कहूंगा कि कहीं कोचिंग वगैरह करा के ये करा के कुछ पैसे ये अर्न कर लें, करते रहें और अपनी पढ़ाई को, इससे क्या हुआ कि फैमिली का जो प्रेशर है आप पे वो हमेशा के लिए, और जब प्रेशर मुक्त होंगे तो आपकी पढ़ाई उतनी ही अच्छी होगी और अच्छे फाइनल सॉल्यूशन है आपके पास, आपने प्रेशर से दूर रहिए, हाँ, प्रेशर से, हाँ, जैसा इनका कहना है ये रिजल्ट निकाल चुके थे, आपको ऑब्वियसली मानना चाहिए कि आपको अपने प्रेशर से दूर रहना है, फैमिली प्रेशर से किस तरह से दूर रहना है, अपने गार्जियन की बात को मानना है, टीचर्स की बात को मानना है, यहाँ अगर मेरे पास है तो मेरी बात को मानना है, आप फोन से दूर रहिए, फोन बहुत जरूरी है कि आप फोन से दूर रहिए, वो आपका काफी टाइम वेस्ट करता है, आप कोशिश कीजिए। अब इनका इंटरव्यू एक होने वाला न्यूज में, तो वो लाइब्रेरी में होगा, तो उसका भी क्लिप हम आपको ऐड करके दिखाएंगे, आप वो भी देखिए। चलिए थैंक यू, अब आगे का देखते हैं क्या होता है। तो देख लिए प्रशांत ने कैसे निकाला अपना रिजल्ट, उसी साहब भी निकालो, आपके लिए भी ब्लॉक बने, आपको भी मेडल मिले। अभी पार्ट आधा ही पार्ट है, एक पार्ट और होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, अभी लाइब्रेरी में भी गए हम लोग, अभी कुछ हुआ, एक पार्ट अपलोड कर रहा हूँ और बाकी की एडिटिंग इधर चालू है, तो पूरा देखो, और नेक्स्ट पार्ट भी एक से दो दिन में आ जाएगा। चलो और नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो सब प्रशांत को, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का थानादार होगा, वहाँ भी चलेंगे हम लोग, वहाँ भी ब्लॉग शूट होगा। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, लगे बच्चों।